ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को 5 हफ्ते के लिए निलंबित करने के फैसले पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से माफी मांगी है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ को फोन कर माफी मांगी थी। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने संसद निलंबन के बोरिस जॉनसन के फैसले को मंगलवार को गैरकानूनी करार दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया, जितनी जल्दी संभव हो सकता था उन्होंने रानी से माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण महारानी निवास बकिंघम पैलेस और प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के बीच विश्वास में कमी आने के संकेत है। शाही परिवार के बड़े स्तर के सदस्य हाल की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर खुश नहीं थे। महारानी के वरिष्ठ सलाहकार भी इस गतिविधि से नाराज चल रहे थे। बकिंघम पैलेस के सूत्रों ने बताया था कि महारानी बोरिस जॉनसन को पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की तरह ही अविश्वासी मान रही हैं। कैमरून ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए महारानी के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, जॉनसन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री के संसद का 5 सप्ताह के लिए निलंबित करने के फैसले का गैरकानूनी करार दिया था। कोर्ट की जज लेडी हेल ने कहा था कि संसद का निलंबित करने का फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर गलत असर डालने वाला है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि मैं फैसले का सम्मान करता हूं, पर इससे सहमत नहीं हूं।